أعوذ بالله من الشيطان. वेलकम बैक नाजरीन। हम बाप के हवाले से जो इस्लाम ने बाप को इज़्ज़त व अज़मत अता की है उस हवाले से बात कर रहे थे। एक हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब। जी मुफ्ती जी, नाजरीन की खिदमत में हदीस पेश कर रहे थे। हुजूर ने उस बाप से पूछा कि आपके दिल में क्या कलेमात थे, तो उन्होंने जो अल्फाज पेश किए अशार की सूरत में उसके एक एक लफ्ज में बड़ा ही दर्द है। वाह। और यही मैं समझता हूँ कि आप के तमाम बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं और तकलीफ का शिकार है उनके दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह। उन्होंने क्या गजाओ तू का मौलूदन व मन तू का याफ़िया तअल्लु बिमा अजना अलैका व तुनहल। मैंने तुझे बचपन में गजा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। सुभान अल्लाह। इदा लैलतन दाफत का बिसक में लम अबत लिसक में का इल्ला साहिरन अतमल मली। जब कभी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजार दी। एक कॉलर हैं जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान जहां जेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जहां से फरीद बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी फरमाइए सर। आपकी शहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बड़ी इनायत आपकी, आपकी दुआएं। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सर, हमारा कहना है आपकी ट्रांसमिशन तमाम चार्जों से बहुत खूबसूरत है सर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं अब दरख्वास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहिबा से जो हमारे प्रोग्राम किए हैं, अब हदीस पूरी होने दें, इस दौरान कोई कॉल ना दें। जी सही, बेअदबी हो जाती है हदीस पाक की। कअन्नी अनल मतरूकु दूना का बिल्लज़ी तरक्तु बिही दूनी फ़ाइनी तुहमल। गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लग गई है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं शब भर रोता रहता। तखाफर रदा नफसी अलई का वन्नहा लतालमु अन्नल मौत वक्तुन मुअज्जलुन। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहता हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो पीछे नहीं आएगी। क्या बात। फलम्मा बलगत सिन्न वलगाया तल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फी का औमल। फिर जब तुम इस उम्र इस हद तक पहुँच गए कि जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा जवान हो और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जालता जजाई गल जाता व फजाजा का अन्ना का अंतल मुनिमुल मुतफद्दिल। तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया के तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम करते रहे। क्या बात है, क्या बात। लई तक इज लम तरा हक का अबावई अबावती अबावती फाल तमा अलजारुल मुसाकिबू यफअल। काश के तुम मुझसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं कर सकते थे तो कम अज कम तुम ऐसा ही कर लेते जैसे एक शरीफ पड़ोसी का ख्याल रखा जाता। सुभान अल्लाह सुभान। फ़अवलतनी हक्कल जवारी वलम तकुन अला बिमालिन दूना का मालिका तबखल। तुमने कम अज कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और खुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम न लिया होता। जब हुजूर ने उस बाप के दिल का दर्द इन अशार की सूरत में सुना और उसका लुबे लुबाब यह है कि बाप ने कहा कि तुम अगर मेरे बेटे होने की हैसियत से मेरी खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज कम इतना ही मेरा ख्याल कर लेते जितना एक पड़ोसी का ख्याल किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब ये कलेमात सुने तो जलाल में आ गए और उस बेटे को पकड़ लिया, उसके बाजू से पकड़ा और पकड़ कर इरशाद फरमाया अंता व मालू का लिया भी का। सुभान अल्लाह। याद रख तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का। क्या बात। यानी बाप की इस तरह खिदमत करो कि वो यही समझे कि जो मेरी औलाद का मेरा ही है। ऐसा ही है, उसके दिल में कभी ये ख्याल भी ना आए नहीं ये मैं मुझे इसमें इजाजत नहीं है, ये तो मेरे बच्चों का है, मुझे इसमें इजाजत ही नहीं मैं किसी को दे सकूँ। तो ये है वो नफीस अंदाज के इस्लाम चाहता है इस तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत की। बहुत इनायत। नाज़रीन किराम, अभी हमें एक मुख्तसर से वक्फे पे जाना है लेकिन उससे पहले हम नात रसूल मकबूल सुनते हैं मरियम मुनीर साहिबा से। मरियम मुनीर। मेरी सरकार
है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा है मैं चढ़ आया अपने दिल नो आका तेरे कदमा विच तेरी गलियां बाजार मदीना याद आंदा है तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना याद मैं भी वेखां कदों मैनू मेरा सोना बुलांदा है मैं भी वेखां कदों मैनू मेरा आका बुलांदा है मदीना मदीने में भी जावा मेरा दिल भी चाहुंदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद वेलकम बैक नाजरीन। हम बाप के हवाले से जो इस्लाम ने बाप को इज़्ज़त व अज़मत अता की है उस हवाले से बात कर रहे थे। एक हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब। जी मुफ्ती जी, नाजरीन की खिदमत में हदीस पेश कर रहे थे। हुजूर ने उस बाप से पूछा कि आपके दिल में क्या कलेमात थे, तो उन्होंने जो अल्फाज पेश किए अशार की सूरत में उसके एक एक लफ्ज़ में बड़ा ही दर्द है। वाह। और यही मैं समझता हूँ कि आज के तमाम बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं और तकलीफ़ का शिकार है उनके दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह। उन्होंने क्या गज़ाओ तू का मौलूदन व मन तू का याफ़िया तअल्लु बिमा अजना अलई का व तुनहल, मैंने तुझे बचपन में गज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। सुभान अल्लाह। इदा लैलतन दाफत का बिसक मिलम अबत लिसक मिका इल्ला साहिरन अता मलमली, जब कभी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजार दी। एक कॉलर हैं जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान जहां जेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जहां से फरीद बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी फरमाइए।
सर आपकी शहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बड़ी इनायत आपकी, आपकी दुआएं। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सर, हमारा कहना है आपकी ट्रांसमिशन तमाम चार्जों से बहुत खूबसूरत है सर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं अब दरख्वास्त करूँगा प्रोड्यूसर साहिबा से, जो हमारे प्रोग्राम किए हैं, अब हदीस पूरी होने दें, इस दौरान कोई कॉल ना दें। जी सही, बेअदबी हो जाती है हदीस पाक की। कअन्नी अनल मतरूकु दूना का बिल्लज़ी तरक्तु बिही दूनी फ़ाइनी तुहमल, गोया के तुम्हारी बीमारी मुझे ही लग गई है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं शब भर रोता रहता। तखाफर रदा नफसी अलैका वअन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक्तुन मुअज्जलुन, मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहता हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो पीछे नहीं आएगी। क्या बात। फलम्मा बलगत सिन्न वलगायत अल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फीका औमल, फिर जब तुम इस उम्र इस हद तक पहुंच गए कि जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा जवान हो और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जालत जजाई गलज़ता व फज़ाज़ा अन्ना का अंतल मुनइमुल मुतफद्दिल, तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया के तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम करते रहे। क्या बात है, क्या बात। लई तक इज लम तरा हक्का अबावई अबावती अबावती फ़अल तकमा अल जारुल मुसाकिबु यफ़अल, काश के तुम मुझसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम तुम ऐसा ही कर लेते जैसे एक शरीफ पड़ोसी का ख्याल रखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान फ़ौलतनी हक़ल जवारी वलम तकुन अला बिमालिन दूना का मालिका तबखल, तुमने कम अज़ कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम ना लिया होता। जब हुजूर ने उस बाप के दिल का दर्द नशहार की सूरत में सुना और उसका लुबे लुबाब यह है कि बाप ने कहा कि तुम अगर मेरे बेटे होने की हैसियत से मेरी खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना ही मेरा ख्याल कर लेते जितना एक पड़ोसी का ख्याल किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब ये कलिमात सुने तो जलाल में आ गए और उस बेटे को पकड़ लिया, उसके बाजू से पकड़ा और पकड़ कर इरशाद फरमाया अंत व मालू का लिया अभी का, सुभान अल्लाह, याद रख तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का। क्या बात। यानी बाप की इस तरह खिदमत करो कि वो यही समझे कि जो मेरी औलाद का मेरा ही है। ऐसा ही है, उसके दिल में कभी ये ख्याल भी ना आए नहीं ये मैं, मुझे इसमें इजाजत नहीं है, ये तो मेरे बच्चों का है, मुझे इसमें इजाजत ही नहीं मैं किसी को दे सकूँ। तो ये है वो नफीस अंदाज के इस्लाम चाहता है, इस तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत की। बहुत इनायत। नाज़रीन किराम, अभी हमें एक मुख्तसर से वक्फे पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम नात रसूल मकबूल सुनते हैं मरियम मुनीर साहिबा से। मरियम मुनीर। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा है, दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा है। मैं चढ़ आया अपने दिल नो आका तेरे कदमा विच, तेरी गलियां बाजार मदीना याद आंदा है, तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना
याद आंदा ए टुरी जांदी उदाई मेरी वारी नाई टुरी जांदी उदाई मेरी वारी ना आई मेरी वारी ना आई मैं भी वे कदों मैनू मेरा सोना बुलांदा है मैं भी वे कदों मैनू मेरा आका बुलांदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद आंदा है मदीने में दिल वी चौंदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद आंदा है वेलकम बैक नाजरीन। हम बाप के हवाले से जो इस्लाम ने बाप को इज़्ज़त व अज़मत अता की है उस हवाले से बात कर रहे थे। एक हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब। जी मुफ्ती जी, नाज़रीन की खिदमत में हदीस पेश कर रहे थे। हुज़ूर ने उस बाप से पूछा कि आपके दिल में क्या कलेमात थे, तो उन्होंने जो अल्फाज पेश किए अशार की सूरत में उसके एक एक लफ्ज़ में बड़ा ही दर्द है। वाह। और यही मैं समझता हूँ कि आज के तमाम बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं और तकलीफ़ का शिकार है उनके दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह। उन्होंने क्या गज़ाउतु का मौलूदन व मंतु का याफ़िया तअल्लु बिमा अजना अलैका व तुनहल, मैंने तुझे बचपन में गज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। सुभान अल्लाह। इदा लैलतन दाफत का बिसक में लम अबत लिसक में का इल्ला साहिरन अता मलमली, जब कभी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजार दी। एक कॉलर हैं जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान जहां जेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जहां से फरीद बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी फरमाइए सर। आपकी शहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बड़ी इनायत आपकी, आपकी दुआएं। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सर, हमारा कहना है आपकी ट्रांसमिशन तमाम चार्जों से बहुत खूबसूरत है सर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं अब दरख्वास्त करूँगा प्रोड्यूसर साहिबा से जो हमारे प्रोग्राम किए हैं, अब हदीस पूरी होने दें, इस दौरान कोई कॉल ना दें। जी सही, बेअदबी हो जाती है हदीस पाक की। कअन्नी अनल मतरूकु दूना का बिल्लज़ी तरक्तु बिही दूनी फ़ाइनी तुहमल, गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं शब भर रोता रहता। तखाफर रदा नफसी अलैका व अन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक्तुन मुअज्जलुन, मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहता हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो पीछे नहीं आएगी। क्या बात। फलम्मा बलगत सिन्न वलगायत अल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फीका औमल, फिर जब तुम इस उम्र इस हद तक पहुँच गए कि जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा जवान हो और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जालता जजाई गलज़ातं व फ़ज़ाज़ा कअन्ना का अंतल मुनइमुल मुतफद्दिल, तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया,
گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کرتے رہے. کیا بات ہے, کیا بات. فَلَيْتَكَ اِذْ لَمْ تَرَ حَقَّ بَوَيْ أَبَوَتِي أَبَوَتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُسَاقِبُ يَفْعَلُ. کاش کہ تم مجھ سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم تم ایسا ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کا خیال رکھا جاتا. سبحان اللہ, سبحان. فَأَوْلَتَنِي حق الجواری ولم تکن علا بمال دونک مالک تبخل. تم نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا. جب حضور نے اس باپ کے دل کا درد ان اشعار کی صورت میں سنا اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ باپ نے کہا کہ تم اگر میرے بیٹے ہونے کی حیثیت سے میری خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی میرا خیال کر لیتے جتنا ایک پڑوسی کا خیال کیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور نے جب یہ کلمات سنے تو جلال میں آ گئے اور اس بیٹے کو پکڑ لیا, اس کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا انت و مالک علی ابی کا. سبحان اللہ. یاد رکھ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا. کیا بات. یعنی باپ کی اس طرح خدمت کرو کہ وہ یہی سمجھے کہ جو میری اولاد کا میرا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آئے نہیں یہ میں, مجھے اس میں اجازت نہیں ہے, یہ تو میرے بچوں کا ہے, مجھے اس میں اجازت ہی نہیں میں کسی کو دے سکوں. تو یہ ہے وہ نفیس انداز کہ اسلام چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کی. بہت عنایت. ناظرین کرام, ابھی ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں مریم منیر صاحبہ سے. مریم منیر. میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے, ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے, ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے. میں چڑھ آیا اپنے دل نو آقا تیرے قدماں وچ, تیری گلیاں بازار مدینہ یاد آندا اے, تیری گلیاں تیرے بازار مدینہ یاد آندا اے. میں بھی ویکھاں کدوں مینوں میرا سونا بلاندا اے, میں بھی ویکھاں کدوں مینوں میرا آقا بلاندا اے. مدینہ مدینہ یاد
दीन में भी जावा मेरा दिल भी चौंदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद वेलकम बैक नाजरीन। हम बाप के हवाले से जो इस्लाम ने बाप को इज़्ज़त व अज़मत अता की है उस हवाले से बात कर रहे थे। एक हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब। जी मुफ्ती जी नाजरीन की खिदमत में हदीस पेश कर रहे थे। हुजूर ने उस बाप से पूछा कि आपके दिल में क्या कलिमात थे, तो उन्होंने जो अल्फाज पेश किए अशार की सूरत में उसके एक एक लफ्ज़ में बड़ा ही दर्द है। वाह। और यही मैं समझता हूँ कि आज के तमाम बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं और तकलीफ़ का शिकार है उनके दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह। उन्होंने क्या गज़ाओ तू का मौलूदन व मन तू का याफ़िया तअल्लु बिमा अजना अलई का व तुनहल। मैंने तुझे बचपन में गज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। सुभान अल्लाह। इदा लैलतन दाफत का बिसक मिलम अबत लिसक में का इल्ला साहिरन अता मलमली। जब कभी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजार दी। एक कॉलर हैं जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान जहां ज़ैब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जहां से फरीद बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी फरमाइए सर। आपकी शहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बड़ी इनायत आपकी, आपकी सर, दुआएं। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सर, हमारा कहना है आपकी ट्रांसमिशन तमाम चार्जों से बहुत खूबसूरत है सर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जना, मैं अब दरख्वास्त करूँगा प्रोड्यूसर साहिबा से जो हमारे प्रोग्राम किए हैं, अब हदीस पूरी होने दें, इस दौरान कोई कॉल ना दें। जी सही। बेअदबी हो जाती है हदीस पाक की। का अन्नी अनल मतरूकु दूना का बिल लदी तरक्तु बिही दूनी फ़ाइनी तुहमल। गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लग गई है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं शब भर रोता रहता। तखाफर रदा नफसी अलई का वन्नहा लतालमु अन्नल मौत वक्तुन मुअज्जलुन। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहता हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो पीछे नहीं आएगी। क्या बात। फलम्मा बलगत सिन्न वलगाया तल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फीका औमल। फिर जब तुम इस उम्र इस हद तक पहुँच गए कि जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा जवान हो और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जालता जजाई गल जाता व फजाजा का अन्ना का अंतल मुनिमुल मुतफद्दिल। वाह वाह। तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया के तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम करते रहे। क्या बात है, क्या बात। लई तक इज लम तरा हक अबावई अबावती अबावती फअलता कमा अलजारुल मुसाकिबु यफअल। काश के तुम मुझसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम तुम ऐसा ही कर लेते जैसे एक शरीफ पड़ोसी का ख्याल रखा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। फ़अवलतनी हक़ल जवारी वलम तकुन अला बिमालिन दूना का मालिका तबखल। तुमने कम अज़ कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम ना लिया होता। जब हुजूर ने उस बाप के दिल का दर्द इन अशार की सूरत में सुना और उसका लुबे लुबाब ये है कि बाप ने कहा कि तुम अगर मेरे बेटे होने की हैसियत से मेरी खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना ही मेरा ख्याल कर लेते जितना एक पड़ोसी का ख्याल किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब ये कलिमात सुने तो जलाल में आ गए और उस बेटे को पकड़ लिया, उसके बाजू से पकड़ा और पकड़ कर इरशाद फरमाया अंता व मालू का लिया अभी का। सुभान अल्लाह। याद रख तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का। क्या बात। यानी बाप की इस तरह खिदमत करो कि वो यही समझे कि जो मेरी औलाद का मेरा ही है। ऐसा ही है, उसके दिल में कभी ये ख्याल भी ना आए नहीं है मैं, मुझे इसमें इजाजत नहीं है, ये तो मेरे बच्चों का है, मुझे इसमें इजाजत ही नहीं मैं किसी को दे सकूँ। तो ये है वो नफीस अंदाज
کہ اسلام چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کی۔ بہت عنایت۔ ناظرین کرام، ابھی ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں مریم منیر صاحبہ سے۔ مریم منیر۔ میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے، ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے، ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے۔ میں چھڈ آیا اپنے دل نو آقا تیرے قدماں وچ، تیری گلیاں بازار مدینہ یاد آندا اے، تیری گلیاں تیرے بازار مدینہ یاد مدینہ یاد آندا اے، مدینہ یاد آندا اے، مدینے میں وی جاواں میرا دل وی چاہندا اے، مدینہ یاد آندا اے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم باپ کے حوالے سے، جو اسلام نے باپ کو عزت و عظمت عطا کی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ جی مفتی جی، ناظرین کی خدمت میں حدیث پیش کر رہے تھے۔ حضور نے اس باپ سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا کلمات تھے، تو انہوں نے جو الفاظ پیش کیے اشعار کی صورت میں، اس کے ایک ایک لفظ میں بڑا ہی درد ہے۔ واہ۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تمام باپ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اور تکلیف کا شکار ہیں، ان کے دل کی آواز ہے۔ واہ واہ واہ۔ انہوں نے کیا غزاؤتو کا مولودن و منتو کا یافعاں تعلو بما اجنا علیک و تنحل، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی،
اور تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اذا لیلتن دافت کا بسکم لم ابت لسکم کا الا ساہرن اتململی، جب کبھی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے ساری رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دی۔ ایک کالر ہیں جی، مدینۃ الاولیاء ملتان، جہاں زیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں جہاں سے فرید بات کر رہا ہوں، ملتان سے۔ جی فرمائیے۔ سر آپ کی شہری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بڑی عنایت آپ کی، آپ کی دعائیں۔ ہماری پوری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی سر، ہمارا کہنا ہے آپ کی ٹرانسمیشن تمام چارجوں سے بہت خوبصورت ہے سر۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ جی جناب، میں اب درخواست کروں گا پروڈیوسر صاحبہ سے، جو ہمارے پروگرام کی ہیں، اب حدیث پوری ہونے دیں، اس دوران کوئی کال نہ دیں۔ جی صحیح، بے ادبی ہو جاتی ہے حدیث پاک کی۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فعینی تہمل، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگ گئی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں شب بھر روتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تخاف الردا نفسی علیک وانھا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہتا حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ پیچھے نہیں آئے گی۔ کیا بات۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدا ما کنت فیک اومل، پھر جب تم اس عمر اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جیسے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ جوان ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ جعلت جزائی غلظتا و فذاذا کأنک انت المنعم المتفضل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کرتے رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فلیتک اذ لم ترا حق ابوتی فعلت کما الجار المساقب یفعل، کاش کہ تم مجھ سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے، تو کم از کم تم ایسا ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کا خیال رکھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاولتنی حق الجواری ولم تکن علی بمال دونک مالک تبخل، تم نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ جب حضور نے اس باپ کے دل کا درد اشعار کی صورت میں سنا، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ باپ نے کہا کہ تم اگر میرے بیٹے ہونے کی حیثیت سے میری خدمت نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ہی میرا خیال کر لیتے جتنا ایک پڑوسی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور نے جب یہ کلمات سنے تو جلال میں آ گئے اور اس بیٹے کو پکڑ لیا، اس کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، انت و مالک علی ابی کا، سبحان اللہ، یاد رکھ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا۔ کیا بات، یعنی باپ کی اس طرح خدمت کرو کہ وہ یہی سمجھے کہ جو میری اولاد کا میرا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آئے نہیں یہ میں، مجھے اس میں اجازت نہیں ہے، یہ تو میرے بچوں کا ہے، مجھے اس میں اجازت ہی نہیں میں کسی کو دے سکوں۔ تو یہ ہے وہ نفیس انداز کہ اسلام چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کی۔ بہت عنایت۔ ناظرین کرام، ابھی ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں مریم منیر صاحبہ سے۔ مریم منیر۔ میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے، دل نو پیار آقا تیرے
ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਗਲੀਆਂ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਈਏ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਈਏ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਈਏ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ویلکم بیک ناظرین ہم باپ کے حوالے سے جو اسلام نے باپ کو عزت و عظمت عطا کی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب جی مفتی جی صاحب. ناظرین کی خدمت میں حدیث پیش کر رہے تھے حضور نے اس باپ سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا کلمات جی. تھے تو انہوں نے جو الفاظ پیش کیے اشعار کی صورت میں اس کے ایک ایک لفظ میں بڑا ہی درد ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تمام باپ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اور تکلیف کا شکار ہے ان کے دل کی آواز ہے واہ 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 انہوں نے کیا غزاؤتو کا مولودن و منتو کا یافعا تعل بما اجنا علیک و تنہل میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی اور تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا سبحان اللہ اذا لیلتن دافت کا بسکم لم ابت لسکم کا الا ساہرن اتمل ملی جب کبھی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے ساری رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دی ایک کالر ہیں جی مدینہ الاولیاء ملتان جہاں زیب صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میں جہاں سے فرید بات کر رہا ہوں ملتان سے جی فرمائیے سر آپ کی شہری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بڑی عنایت آپ کی آپ کی دعائیں ہماری پوری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہیں بہت شکریہ کوئی سوال ہے آپ کا جی سر ہمارا کہنا ہے آپ کی ٹرانسمیشن تمام چارجوں سے بہت خوبصورت ہے سر بہت عنایت بہت شکریہ جی جناب میں اب درخواست کروں گا پروڈیوسر صاحبہ سے جو ہمارے پروگرام کیے ہیں اب حدیث پوری ہونے دیں اس دوران کوئی کال نہ دیں جی صحیح بے ادبی ہو جاتی ہے حدیث پاک کی کأنی انا المتروک دون کا بالذی ترکت بہ دونی فعینی تحمل گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگ گئی ہے تمہیں نہیں جس کی وجہ سے میں شب بھر روتا رہتا تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل
میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہتا حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے وہ پیچھے نہیں آئے گی۔ کیا بات۔ فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أومل، پھر جب تم اس عمر اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جیسے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ جوان ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، جعلت جزائی غلظتا وفذاذا کأنک انت المنعم المتفضل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کرتے رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فلیتک اذ لم ترا حق ابواتی فعلت کما الجار المساقب یفعل، کاش کہ تم مجھ سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم تم ایسا ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کا خیال رکھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فاولتنی حق الجواری ولم تکن علی بمال دونک مالک تبخل، تم نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ جب حضور نے اس باپ کے دل کا درد اشعار کی صورت میں سنا اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ باپ نے کہا کہ تم اگر میرے بیٹے ہونے کی حیثیت سے میری خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی میرا خیال کر لیتے جتنا ایک پڑوسی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور نے جب یہ کلمات سنے تو جلال میں آ گئے اور اس بیٹے کو پکڑ لیا، اس کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، انت و مالک لی ابی کا، سبحان اللہ، یاد رکھ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا۔ کیا بات، یعنی باپ کی اس طرح خدمت کرو کہ وہ یہی سمجھے کہ جو میری اولاد کا میرا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آئے نہیں ہے میں، مجھے اس میں اجازت نہیں ہے، یہ تو میرے بچوں کا ہے، مجھے اس میں اجازت ہی نہیں میں کسی کو دے سکوں۔ تو یہ ہے وہ نفیس انداز کہ اسلام چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کی۔ بہت عنایت۔ ناظرین کرام، ابھی ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں مریم منیر صاحبہ سے۔ مریم منیر، میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندائے، ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندائے، ہے دل نو پیار مدینہ یاد آندائے۔ میں چڑھ آیا اپنے دل نو آقا تیرے قدماں وچ، تیری گلیاں تیرے بازار مدینہ یاد آندائے، تیری گلیاں تیرے بازار مدینہ یاد آندائے۔ ٹری جاندی خدائی اے میری واری نائی اے، ٹری جاندی خدائی میں بھی ویکھاں
ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮਦੀਨਾ मदीने में भी जावां मेरा दिल भी चाहुंदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद वेलकम बैक नाजरीन। हम बाप के हवाले से जो इस्लाम ने बाप को इज़्ज़त व अज़मत अता की है उस हवाले से बात कर रहे थे। एक हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब। जी मुफ्ती जी, नाजरीन की खिदमत में हदीस पेश कर रहे थे। हुजूर ने उस बाप से पूछा कि आपके दिल में क्या कलेमात थे, तो उन्होंने जो अल्फाज पेश किए अशार की सूरत में उसके एक एक लफ्ज़ में बड़ा ही दर्द है। वाह। और यही मैं समझता हूँ कि आज के तमाम बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं और तकलीफ़ का शिकार है उनके दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह। उन्होंने क्या गज़ाउ तू का मौलूदन व मन तू का याफ़िया तअल्लु बिमा अजना अलई का व तुनहल। मैंने तुझे बचपन में गज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। सुभान अल्लाह। इदा लैलतन दाफत का बिसक मिलम अबत लिसक मिका इल्ला साहिरन अता मलमली। जब कभी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजार दी। एक कॉलर हैं जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान जहां जेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जहां से फरीद बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी फरमाइए सर। आपकी शहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बड़ी इनायत आपकी, आपकी दुआएं। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सर, हमारा कहना है आपकी ट्रांसमिशन तमाम चार्जों से बहुत खूबसूरत है सर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं अब दरख्वास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहिबा से जो हमारे प्रोग्राम किए हैं, अब हदीस पूरी होने दें, इस दौरान कोई कॉल ना दें। जी सही, बेअदबी हो जाती है हदीस पाक की। कअन्नी अनल मतरूकु दूना का बिल्लज़ी तरक्तु बिही दूनी फ़ाइनी तुहमल। गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लग गई है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं शब भर रोता रहता। तखाफर रदा नफसी अलैका वअन्नहा लताअलमु अन्नल मौत वक्तुन मुअज्जलुन। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहता हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो पीछे नहीं आएगी। क्या बात। फलम्मा बलगत सिन्न वलगायत अल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फीका औमल। फिर जब तुम इस उम्र इस हद तक पहुँच गए कि जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा जवान हो और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जालता जजाई गलदता व फजादा कअन्ना कअन्तल मुनइमुल मुतफद्दिल। वाह वाह। तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया के तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम करते रहे। क्या बात है, क्या बात। लैता का इज लम तरा हक्का अबावई अबावती अबावती फअलता कमा अलजारुल मुसाकिबु यफअल। काश कि तुम मुझसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम तुम ऐसा ही कर लेते जैसे एक शरीफ पड़ोसी का ख्याल रखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। फ़अवलतनी हक़ल जवारी वलम तकुन अला बिमालिन दूना का मालिका तबखल। तुमने कम अज़ कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम ना लिया होता। जब हुजूर ने उस बाप के दिल का दर्द इन अशआर की सूरत में सुना और उसका लुबे लुबाब यह है कि बाप ने कहा कि तुम अगर मेरे बेटे होने की हैसियत से मेरी खिदमत नहीं कर सकते
तो कम अज कम इतना ही मेरा ख्याल कर लेते जितना एक पड़ोसी का ख्याल किया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब ये कलिमात सुने तो जलाल में आ गए और उस बेटे को पकड़ लिया, उसके बाजू से पकड़ा और पकड़ कर इरशाद फरमाया, अंत व मालू का लिया अभी का, सुभान अल्लाह, याद रख तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का। क्या बात। यानी बाप की इस तरह खिदमत करो कि वो यही समझे कि जो मेरी औलाद का मेरा ही है। ऐसा ही है, उसके दिल में कभी ये ख्याल भी ना आए नहीं ये मैं, मुझे इसमें इजाजत नहीं है, ये तो मेरे बच्चों का है, मुझे इसमें इजाजत ही नहीं मैं किसी को दे सकूं। तो ये है वो नफीस अंदाज के इस्लाम चाहता है इस तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत की। बहुत इनायत। नाज़रीन किराम, अभी हमें एक मुख्तसर से वक्फे पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम नात रसूल मकबूल सुनते हैं मरियम मुनीर साहिबा से। मरियम मुनीर। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदाए है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदाए है दिल नो प्यार मदीना याद आंदाए मैं छड़ आया अपने दिल नो आका तेरे कदमा विच तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना याद आंदाए तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना याद आंदाए टुरी जांदी उदाईए मेरी वारी नाईए टुरी जांदी उदाई मैं भी वेखा कदों मैनू मेरा सोना बुलांदा है मैं भी वेखा कदों मैनू मेरा आका बुलांदा है मदीना मदीने में भी जावां मेरा दिल भी चाहुंदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद वेलकम बैक नाजरीन। हम बाप के हवाले से जो इस्लाम ने बाप को इज़्ज़त व अज़मत अता की है उस हवाले से बात कर रहे थे। एक हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब।
जी नाजरीन की खिदमत में हदीस पेश कर रहे थे। हुजूर ने उस बाप से पूछा कि आपके दिल में क्या कलेमात थे, तो उन्होंने जो अल्फाज पेश किए अशार की सूरत में, उसके एक एक लफ्ज़ में बड़ा ही दर्द है। वाह। और यही मैं समझता हूँ कि आज के तमाम बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं और तकलीफ़ का शिकार है, उनके दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह। उन्होंने क्या गज़ाओ तू का मौलूदन व मन तू का याफ़िया तअल्लु बिमा अजना अलई का व तुनहल, मैंने तुझे बचपन में गज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। सुभान अल्लाह। इदा लैलतन दाफत का बिसक में लम अबत लिसक में का इल्ला साहिरन अता मलमली, जब कभी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजार दी। एक कॉलर हैं जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान, जहां ज़ैब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जहां से फरीद बात कर रहा हूं, मुल्तान से। जी फरमाइए सर। आपकी शहरी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बड़ी इनायत आपकी, आपकी दुआएं। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी सर, हमारा कहना है आपकी ट्रांसमिशन तमाम चार्जों से बहुत खूबसूरत है सर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं अब दरख्वास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहिबा से, जो हमारे प्रोग्राम की हैं, अब हदीस पूरी होने दें, इस दौरान कोई कॉल ना दें। जी सही, बेअदबी हो जाती है हदीस पाक की। कअन्नी अनल मतरूकु दूना का बिल्लज़ी तरक्तु बिही दूनी फ़ाइनी तुहमल, गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं शब भर रोता रहता। तखाफर रदा नफसी अलई का वन्नहा लतालमु अन्नल मौत वक्तुन मुअज्जलुन, मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहता हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो पीछे नहीं आएगी। क्या बात। फलम्मा बलगत सिन्न वलगायत अल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फीका औमल, फिर जब तुम इस उम्र इस हद तक पहुँच गए कि जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा जवान हो और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, जालत जजाई गलज़तन व फज़ाज़ा कअन्ना कअन्तल मुनइमुल मुतफद्दिल, तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया के तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम करते रहे। क्या बात है, क्या बात। लई तक इज लम तरा हक अबावई अबावती अबावती फ़अल तकमा अल जारुल मुसाकिबु यफ़अल, काश के तुम मुझसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं कर सकते थे, तो कम अज कम तुम ऐसा ही कर लेते जैसे एक शरीफ पड़ोसी का ख्याल रखा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। फ़औलतनी हक़ल जवारी वलम तकुन अला बिमालिन दूना का मालिका तबखल, तुमने कम अज कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम ना लिया होता। जब हुजूर ने उस बाप के दिल का दर्द इन अशार की सूरत में सुना और उसका लुबे लुबाब यह है कि बाप ने कहा कि तुम अगर मेरे बेटे होने की हैसियत से मेरी खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना ही मेरा ख्याल कर लेते जितना एक पड़ोसी का ख्याल किया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब ये कलेमात सुने तो जलाल में आ गए और उस बेटे को पकड़ लिया, उसके बाजू से पकड़ा और पकड़ कर इरशाद फरमाया अंत व मालू का लिया बी का, सुभान अल्लाह, याद रख तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का। क्या बात। यानी बाप की इस तरह खिदमत करो कि वो यही समझे कि जो मेरी औलाद का मेरा ही है, ऐसा ही है, उसके है। दिल में कभी ये ख्याल भी ना आए नहीं ये मैं, मुझे इसमें इजाजत नहीं है, ये तो मेरे बच्चों का है, मुझे इसमें इजाजत ही नहीं मैं किसी को दे सकूँ। तो ये है वो नफीस अंदाज के इस्लाम चाहता है इस तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत की। बहुत इनायत। नाज़रीन किराम, अभी हमें एक मुख्तसर से वक्फे पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम नात रसूल मकबूल सुनते हैं मरियम मुनीर साहिबा से। मरियम मुनीर। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद दिल नू प्यार हर वेले मदीना याद
याद आंदा है दिल नू प्यार हर वेले मदीना याद आंदा मैं छड़ कदमा विच तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना याद आंदा है तेरी गलियां मदीना याद आंदा है तुरी जांदी उदाईए मेरी वारी नाईए तुरी जांदी उदाई मैं भी वेखां कदों मैनू मेरा सोना बुलांदा है मैं भी वेखां कदों मैनू मेरा आका बुलांदा है मदीना मदीने में भी जावां मेरा दिल भी चाहुंदा है मदीना याद आंदा है मदीना याद दूसरा मौजू है इन्फाक फी सबीलिल्लाह और सखावत के हवाले से। ये ऐसी एक सखी होना ऐसी अजीब अखलाकी सिफत है जो हमेशा ही महबूब और पसंदीदा रही है हर मज़हब में और सूफिया में और बड़े ही इसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अपनी अपनी जानों से भी बढ़ के सखावत की गई हमारे अकाबिर ने। जी हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें जो कि नफ्स की जड़ें इस दुनिया में और मोहब्बत दुनिया में बहुत ज़्यादा गहरी कर देती हैं उनमें से एक हुब्बे माल भी है बेशक। तो इस्लाम ने हमेशा कोशिश की कि ये मोहब्बत भी इंसान के दिल में जर पकड़े नहीं, वाह वाह वाह, वो इसे इस्तेमाल करे, हुस्ने इस्तेमाल करे, सुभान अल्लाह, और इसके साथ दिल ना लगाए, इससे बालातार होकर रहे, इससे बालातार होकर रहे और उसे अच्छी तरह ये एहसास रहे कि हर चीज़ का मालिक तो अल्लाह है, बेशक, राजिक तो अल्लाह है। और हमेशा इस्लाम ने ये एहसास उजागर करने की कोशिश की कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की अमानत है, तुम्हारा है ही नहीं ये अमानत, चंद रोज़ा नज़्दमास नज़्दमास, दर हकीकत मालिक हर शय खुदास खुदास। तो वो आपने बहुत से बुज़ुर्गों से सुना होगा कि वो किसी को कुछ अता करें और कुछ शुक्रगुजार हो तो वो कहें भाई हम तो दिए में से दे रहे हैं, हम कौन सा अपने पास से दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो किसी भी चीज़ का मालिक इंसान तो नहीं है, सब का मालिक राज़िक अल्लाह है। सखावत हमें सिखाती है ईसार, ईसार सिखाती है और दुनिया से बेरगबती कमाल सिखाती है, इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि हमने आगे जाना है जी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक दफा एक बकरी का, इजाजत दीजिए, एक कालर हैं विहाड़ी से मोहम्मद अनवर साहब।
जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। अलैकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको मुबारक हो। बहुत इनायत आपकी जी। सवाल मैं दो करने हैं, एक मिनट टाइम देना मुझे जी। जी एक सवाल तो ये है, जो इस माशरे में लोग अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते जी, उनको बुरा भला कहते हैं, घर से धक्के दे के निकाल देते हैं, उसके मतलब मुफ्ती साहब से जी जरूर वो कुछ बताए। दूसरा कल आपका प्रोग्राम चल रहा था तहज्जुद के मुतल्लिक जी, सो के तहज्जुद पढ़नी चाहिए या आदमी जागता भी हो तो फिर भी टाइम हो जाए तहज्जुद पढ़ सकता है जी। अर्ज करते हैं, बिल्कुल आपके सवालों के जवाब देते हैं, आप फरमा रहे थे जी। मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बकरी आई, आप भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहती थी और कमाल दर्जा की क्या बात है, सखी शख्सियत हैं बेशक, तो वो उन्होंने तकसीम फरमा दी और एक दस्ती रख ली कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त तबा के लिए। अच्छा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा कि कोई चीज़ जो है वो घर में मौजूद है, घर में मौजूद है, कोई चीज़ बाकी रह गई है जी, तो आपने फरमाया कि सब कुछ मैंने दे दिया है, एक दस्ती जो है ये बाकी रह गई है। दस्ती का गोश्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा पसंद था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकत में बाकी सब कुछ बच गया है और ये दस्ती रह गई है। वाह 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 जी, यानी जो कुछ अल्लाह की राह में दे दिया वो बाकी बच गया, वो बाकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये एक दस्ती जो है वो अपनी हकीकत पे सरफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तालीमात देखें कि वो पहले ही इतनी सखी शख्सियत है और रखा भी उन्होंने हुजूर की खिदमत आलिया के लिए, इसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकी सब कुछ बच गया है, जो चीज एक रह गई है वो ये दस्ती है। ऐसा ही, ऐसा। तो ये तालीमात और सहाबा कराम भी हमेशा ईसार करते थे। एक तो है ना इन्फाक, सहाबा कराम का रवैया तो इन्फाक से भी आगे आगे, आगे का है, ईसार का था, और सूफिया कराम का भी हमेशा यही रवैया है जी जी जी। हजरत अबू बकर शिबली से किसी ने पूछा कि ज़कात का निसाब क्या है, तो उन्होंने कहा कि 5 ऊँट हों तो 1 बकरी, लेकिन इस तरद्दुद में पढ़ने की जरूरत क्या है, वो 5 ऊँट पास रखते क्यों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा कि जो मसला आपने बताया वो तो इमाम अबू हनीफा के मुताबिक है, जो ज़कात का निसाब बताया जाता है इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद से इस्तदलाल करते हैं जी। तो ये इस कुलियतन इन्फाक में आपका इमाम कौन है, उन्होंने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। इन्होंने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया था और अपने लिए कुछ अल्लाह की बचा के नहीं रखा, बाकी बचाया था। लेकिन ये एक तदरीज है, इसका जो सबसे छोटा है मरहला जो फर्ज करार दे दिया गया वो ज़कात है जी। फिर सदकात फितर हैं जो वाजिब हैं। तो इस्लाम ने तदरीज के साथ एक तरबियत की, कुछ देने को तो फर्ज करार दे दिया कि उसके बगैर आप अपनी मुसलमानी का तसव्वुर ही ना करें। अगर साहिब निसाब हैं तो ये आप लाजमी दे ताकि ये जो देना है ना ये भी एक मामूल बन जाए ना जी, मामूल बन ये बैरियर तो टूटे ना। फिर सदका फितर में दें, फिर देखेंगे जितने भी कफारे हैं उसमें गरीब को खाना खिलाना जी, गरीब को खाना खिलाना। बल्कि सूफिया तो इस हद तक देने के कायल हैं कि हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी तुमसे सवाल करे तुम ये ना देखो कि मुस्तहिक है या नहीं है, क्या बात, मुस्तहिक को भी दो, गैर मुस्तहिक को भी दो, ताकि अल्लाह तुम्हें वो भी दे जिसके तुम मुस्तहिक हो और वो भी दे जिसके तुम मुस्तहिक नहीं हो। तुम देखना शुरू कर दोगे कि मुस्तहिक है या गैर मुस्तहिक है, और अगर अल्लाह ने देखना शुरू कर दिया तो फिर तुम किस चीज के मुस्तहिक हो। हजरत शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम फकीरों के नजदीक सबसे बड़ी इबादत है गरीब को रोटी खिलाना। वाह 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 वाह, हक और इससे बढ़कर कोई अमल नहीं। ऐसा ही हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि मैंने आमाले हसना की फहरिस्त पर नजर डाली तो मुझे रोटी खिलाने से बढ़कर कोई अमल क्या बात मकबूल नजर नहीं। क्या बात है, क्या बात। तो बंदगाने खुदा को राजी करना जी, बिल्कुल ऐसा ही महबूब ये पूछते हैं, जरूरत से ज्यादा जो कुछ है ज्यादा वो दे दो। वाह वाह वाह। हुजूर ये जो सवाल किए गए आप कुछ इस सिलसिले में बताइए। तो उन्होंने फरमाया पूछा था कि जो वालिदैन को धक्के दे निकाले ये तो बड़ा ही सख्त गुनाह है, मिनल कबायरे उकूकुल वालिदैन। अल्लाह ने फरमाया कि कबीरा और बड़े बड़े गुनाहों में से एक ये है कि माँ बाप की नाफरमानी। और ये मर्द बहुत आम भी हो गया जी। तो बड़ा अफसोस से ये खबरें भी सुनने में आती हैं कि फलाह ने जायदाद के लिए बाप को मार दिया, तो खबरें सुनने में आती है, बात हद से आगे बढ़ चुकी। मैं तो समझता हूँ इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। ऐसा ही है,
जो वालिदैन को तंग करते हैं, वालिदैन को, अब देखें यूरोप में औलाद को हक है, वो माँ बाप के लिए खिलाफ शिकायत कर दें तो फौरन जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या एक्शन किया जाता जी, बिल्कुल मुआखज़ा होता तो है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसी कानून साजी करें कि माँ बाप कोई ऐसी चौखट हो जहाँ पर जाकर वो अपना दर्द बयान कर सकें और औलाद जो उनके हुकूक पामाल कर रही है। अब चूंकि ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, सिर्फ रिवायात बयान करने से लोग नहीं समझ सही बात, अब थोड़ी सी खिंचाई की जरूरत है, डंडा घुमाने की जरूरत है, तब ये लोग सीधे होंगे। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक काम है। देखें इतना सख्त गुनाह है ये, वो हदीस शरीफ, एक सहाबी रसूल थे, मौत के वक्त उनकी रूह अटक गई। अल्लाह अकबर। हुजूर को फरमाया गया कहा इसकी वालदा को बुलाओ। ओहो हो हो। फरमाया कि ये क्या मसला है? उसने कहा हुजूर मुझे बहुत सताया तो मैंने इसके लिए बदुआ कर दी थी। अल्लाह मैं इसे माफ़ कर। उसने कहा इतना सताया मैं इसे माफ़ भी नहीं कर सकती। अल्लाह मैं फिर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ इसे जला दो। वो बुढ़िया फिर कांप उठी, कहा नहीं मेरी ममता ये गवारा नहीं करती कि इसे जलाया जाए, हुजूर मैं माफ करती हूँ। जैसे ये कहा तो उनकी रूह परवाज कर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें वो सहाबी होके जी 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 इस अमल की वजह से गिरफ्त हुई। बिल्कुल, हम जैसे तो किसी खाते में ही नहीं है, कोई शुमार कतार ही नहीं है। कोई मैं समझता हूँ इस मामले में तो बिल्कुल गफलत नहीं होनी चाहिए। सताना मारना धक्के देना तो दूर की बात है, बल्कि हदीस शरीफ में आया है कि वालिद को घूर कर देखना भी गुनाह है, इसकी भी ममानत फरमाई गई। ऐसा ही। दूसरी बात जो उन्होंने जिक्र की कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, जी हाँ बिल्कुल, तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। चाहे आप चंद लम्हे भी सोए हों, उसके बाद आप उठ गए तो बेदार हो गए तो वही वक्त आपका तहज्जुद का है। सही। बगैर सोए जो आप नमाज पढ़ेंगे वो कयामुल लैल होगी, आम नफल होंगे, आम नफल होंगे रात के, और उनकी भी फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है, मौजूद है, अजर है, सवाब है। लेकिन जो तहज्जुद के स्पेसिफिक नवाफिल हैं वो सोए बगैर नहीं होते। जी जी जी, बहुत इनायत जी। बशारत साहब, ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह और सखावत और क्या शान है इसकी, कुछ बताइए इस हवाले से। मकाशफतुल कुलूब में हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस नकल की है जिसके रावी हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि मीज़ान अमल में सबसे पहली जो चीज़ रखी जाएगी वो इंसान के अखलाक और सखावत होगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ईमान को पैदा फरमाया तो ईमान ने यह तकाजा किया कि मुझे किसी चीज़ के साथ तकवीत दी जाए, तो दो चीज़ों के ज़रिए ईमान को कुव्वत दी गई। अच्छा। एक तो हुस्न अखलाक के ज़रिए और दूसरा सखावत के ज़रिए। वाह वाह। और फरमाया जब कुफ्र को पैदा किया तो कुफ्र ने भी ये मुतालबा किया कि मुझे दो चीज़ों के ज़रिए तकवीत दी जाए, तो उसको कुव्वत दी गई बुखल के ज़रिए और बदअखलाकी के ज़रिए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये जो अच्छी आदात हैं, अच्छे अखलाक हैं और सखावत है, ये ईमान को तकवीत बख्शती है। बेशक। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, लोग इकट्ठे होकर आते हैं, कादसाली की शिकायत करते हैं, तो आपने फरमाया कि शाम तक इंतजाम हो जाएगा, और शाम तक इंतजाम हो गया। 100 ऊंटों का काफिला आया, गल्ला लदा हुआ था। पूछा गया किसका है, पता चला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ताजर इकट्ठे हो गए खरीदने के लिए, 1 गुना नफा 2 गुना 3 गुना 5 गुना नफा तक कि हमें बेच दो, हम महंगे दामों फरोख करेंगे। आपने फरमाया कोई 10 गुना देता है तो मैं बेचने के लिए तैयार। कमाल है, कमाल। उन्होंने कहा हम भी देखते हैं। ताजरों ने कहा कि कौन 10 गुना नफे पर खरीदता है? आपने फरमाया फिर देखो कौन 10 गुना नफे पर इसको लेता है, मैं उस रब की बारगाह में सारे गल्ला सदका करता हूँ जो 1 के बदले 10 गुना। तो वो सब कुछ आपने सदका कर दिया। तो ये वो मोहम्मदी यूनिवर्सिटी से तरबियत याफ्ता सहाबा किराम थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक हों, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हों, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ हों, सखावत और इसार के ऐसे पैकर थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से 6 दिरहम मंगवा कर फ़कीर को देते हैं और चलते हैं, तो एक आराबी आता है देहाती कि ये मेरे पास ऊँट है आप ख़रीद लें। आपने फरमाया मेरे पास तो रकम नहीं। उसने कहा कर्ज ले लें। तो आपने 100 दिरहम के अंदर वो ऊँट ख़रीदा। फिर आराबी आया, उसने कहा मैं 160 दिरहम में ख़रीदता हूँ। आपने उसको वो दे दिया, पहला आया कि अब वो मेरा कर्ज वापस कीजिए। तो आपने 100 दिरहम उसको दिए, 60 घर ले गए। सैयदा ने पूछा कि ये 60 कहाँ से आए? आपने फरमाया 6 वो जो मैंने अल्लाह के रास्ते में दिए और बाकी वो हैं जिनका जुबान मुस्तफ़ा के जरिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो बहुत खूबसूरत बातें हैं, हमारा वक्त महदूद है। बहुत शुक्रिया आपका, सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है।
इससे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि इस प्रोग्राम के बाद हमारा जो एक बहुत अहम प्रोग्राम नशर होता है आल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न क़िरात कारी पाकिस्तान के नाम से, वो देखना ना भूलिएगा। और इख्तिताम से पहले हम बहुत खूबसूरत कव्वाली सुनेंगे जनाब शेर मियादाद खान साहब और उनके हमनवाओं से, जिसका मौजू है बाप की अज़मत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मुईन निज़ामी को इजाज़त दीजिए, अभी हम कव्वाली समाअत करते हैं। जी खान साहब, कदर कर ले वेला बीते हाथ नायावनाए दुआ सीस कुले ले मापें दी विच कब्र दे जे सुख पावनाए किसे मुल अमली वादता बाप दा दिल तू दुखावना है जिन्हें मापिया नू यारो दुख दिता उन्हें में जान तो जावना है बाप दा रुतबा की है बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा
पीछे पाल के बाप जवाने कर दे। बाप दा रुतबा की है, सुनो मैं अज सुना।